हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में पढ़ाओ, तो आज मैं आपको नर जनन तंत्र हिंदी में पढ़ाऊंगी। अगर आपको इसे इंग्लिश में पढ़ना है तो उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इसका डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा नर जनन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, इधर देखो, सबसे मेन हिस्से से स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वृषण, और इसे इंग्लिश में टेस्टीज कहते हैं। और इसके बाहर की आपको एक कवरिंग दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं वृषण कोश, जिसे इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। एक आपको एक नलिका दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, जिसे इंग्लिश में वास डिफरेंसेस कहते हैं। आपको एक और नलिका दिख रही होगी इधर पे, ये वाला, इसे हम कहते हैं मूत्र नलिका, और इसे इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। फिर देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा एक ब्लैक सा दिख रहा है ना, जो कि अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये ब्राउन कलर का होगा। इसे हम कहते हैं शुक्राशय, जिसे इंग्लिश में सेमिनल वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं मूत्राशय, जिसे इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं। और जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं शिश्न, जिसे इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। और जो आपको ये वाली जो नलिका दिख रही है, इसे हम कहते हैं मूत्रमार्ग, जिसे इंग्लिश में हम यूरेथ्रा कहते हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में आपसे इतनी शुद्ध हिंदी में तो कोई बात नहीं करता है ना, इसलिए इंग्लिश शब्द को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ हिंदी में। ठीक है, अब देखो, जो नर जनन तंत्र होता है वो बेसिकली दो मेन हिस्सों से मिलकर बनता है। दो मेन हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा वृषण, और दूसरा हिस्सा जो आपको ये शिश्न दिख रहा है, यानी कि पेनिस। जो वृषण होता है बच्चों, उसका काम क्या होता है कि वो जनन कोशिका का निर्माण करता है। जनन कोशिका मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं, यानी कि शुक्राणु। नर का जनन कोशिका क्या होता है? शुक्राणु। तो जो वृषण होता है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। अभी शुक्राणु को कहाँ पहुँचना है? फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी मादा के अंदर। तो अभी देखो, जो हमारा ये वृषण है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, क्या निर्माण किया इसने? इसने शुक्राणु का निर्माण किया। और जो ये शिश्न दिख रहा है आपको ना, ये क्या करता है, ये उस शुक्राणु को निषेचन के स्थान पर पहुंचाता है। निषेचन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा ये शिश्न होता है, ये शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। देखो, इधर लिखा हुआ है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। ठीक है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाला अंग कौन सा है? हमारा वृषण। वृषण क्या है? जनन कोशिका उत्पादित करने वाला अंग, एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग। ठीक है, जनन कोशिका जो हमारी है, उसको निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? शिश्न। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है? नर जनन तंत्र बनता है। अब जितने भी पार्ट्स इसमें आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी पार्ट्स को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने वृषण, यानी कि टेस्टिस से। ठीक है, इधर देखो, वृषण लिखा हुआ है, पुरुष में दो वृषण होते हैं, जो कि उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वृषण कोश में होते हैं। ठीक है, जो वृषण होता है वो पुरुषों में कितना होता है? दो होता है। और वो कहाँ होता है? जो उदर गुहा होता है ना, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, एब्डोमिनल कैविटी, हमारे शरीर यानी कि मेल के शरीर के बाहर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जो टेस्टीज यानी कि जो वृषण है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है? क्योंकि होता क्या बच्चों की जो वृषण है उसके अंदर क्या बनता है? सेक्स सेल्स, शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु को बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण होता है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर, हमारे शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप
ताप से कम होता है। देखो वही बात कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उसके उत्पाद के लिए शरीर से तापमान उसका कम चाहिए होता है। तो अब हम पढ़ते हैं वृषण के कार्य की, आखिर वृषण क्या कार्य करता है। तो वृषण का बेसिकली दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि जो वृषण होता है वो शुक्राणु का निर्माण करता है, और जो दूसरा कार्य होता है वो ये होता है कि जो हमारा वृषण है वो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का निर्माण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? देखो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो पुरुषों में सेक्सुअल ड्राइव यानी कि कामिकता बढ़ाने का उत्तरदायी होता है। और उसके साथ ही अगर हम कहें तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जो पुरुष होते हैं उनकी जो दाढ़ी आती है, जो मूंछ आती है, जो उनकी छाती चौड़ी होती है, जो मसल्स होते हैं, इन सब का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का होता है। ठीक है, अब देखो हमने जो वृषण था वो पढ़ लिया, वृषण के कार्य पढ़ लिए, जो वृषण के बाहर आपको दिख रहा है वृषण कोष इसको पढ़ लिया। अब इसके बाद जो शुक्राणु बन गया है वृषण में वो निषेचन होने के स्थान पर जाएगा ना, तो उसके लिए वो किसका सहारा लेगा? ये आपको दिख रहा है ना शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी से होते हुए जो शुक्राणु है वह शुक्राशय तक आएगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी, जिसे हम वास डिफरेंसेस कहते हैं, शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। जो शुक्राणु टेस्टीज में बना है यानी कि वृषण में बना है वह शुक्राशय तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेते हैं? इस ये जो नलिका दिख रही है आपको ना, शुक्रवाहिनी, इसका सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर देखो ये वाली कौन सी नलिका है? शुक्रवाहिनी, जो कि किसे ले जाती है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म को। ठीक है, अब देखो ये आपको एक नलिका दिख रही होगी, इसे हम क्या कहते हैं? मूत्र नलिका, इंग्लिश में कहते हैं उसे हम यूरेटर। वो यहाँ पर आ रहा है मूत्राशय में। अब देखो एक जगह आ रहा है जहाँ पे ये और ये आपस में जाके दोनों क्या हो जा रहे हैं? कंबाइन हो जा रहे हैं, और ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं? यूरेथ्रा कह रहे हैं, यानी कि मूत्र मार्ग कह रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो स्पर्म बाहर निकलता है यानी कि जो शुक्राणु के बाहर निकलने का जो मार्ग होता है, और जो यूरिन यानी कि मूत्र के जो बाहर निकलने का मार्ग होता है, वो दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब देखो हमने शुक्रवाहिनी पढ़ ली, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं शुक्राशय के बारे में। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे शुक्राणु निर्माण हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद जो शुक्राणु है वो शुक्रवाहिनी से होते 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 अभी वो यहाँ तक आ गया है। अब देखो अब रास्ते में कौन आया है? शुक्राशय आया है। इसलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते, जो लिखा हुआ है, शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो कि शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत आसान सा है कि जो हमारे यहाँ पे शुक्राणु जो निर्माण हुआ है वो जब जा रहा है तो जो शुक्राशय है वो क्या करता है? एक तरल पदार्थ निर्माण करता है जो कि जाकर शुक्राणु से मिल जाता है, जिसके कारण जो हमारा शुक्राणु होता है उसको गति मिलती है और उसको ऊर्जा भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक है, अब देखो अब आपको ये भी दिख रहा होगा ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है यह एक अखरोट के आकार का, ये अलग है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है। ये भी क्या है? एक अखरोट के आकार की एक ग्रंथि है जो क्या करती है? तरल पदार्थ का निर्माण करती है। आगे कह रहे हैं तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है, और क्योंकि ये क्या कर रहा है? तरल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तरल मतलब बहुत ही फ्लोई फ्लोई सा है ना, लिक्विड लिक्विड सा। तो वो जब जाकर शुक्राणु से मिलेगा, और जो शुक्राणु होगा पहले वो गाढ़ा होगा, अभी जब वो तरल फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो उसको गति मिलेगी ना। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कुछ तरल पदार्थ ऐड करते हैं शुक्राणु में, जिस कारण से जो शुक्राणु होता है उसको गति प्रदान गति मिलती है और उसको ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, अब देखो अब आता है मेन हिस्सा। पहला मेन हिस्सा पढ़ा था हमने किसके बारे में? वृषण के बारे में। और जो हमारा दूसरा मेन हिस्सा है वो क्या है? शिश्न, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेनिस, उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, देखो क्या लिखा हुआ है, यह एक बेलन आकार अंग है जो कि वृषण कोष के बीच लटका रहता है। ठीक है, शिश्न की बात कर रहे हैं यानी कि पेनिस की बात कर रहा है, कह रहा है यह एक बेलन आकार अंग होता है पुरुषों का जो कि वृषण कोष के बीच में लटका हुआ होता है। आगे कह रहा है
कि सामान्य अवस्था में यह शिथिल तथा छोटा रहता है तथा मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। कह रहा है सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, शिथिल यानी कि रिलैक्स रहता है और छोटा रहता है आकार में, और ये किस कार्य में आता है, यूरिन जब जाते हैं जो टॉयलेट जाते हैं उसके कार्य आता है। आगे कह रहा है यह नर जनन कोशिका शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। गाइस हमने पहले ही पढ़ा था ना कि दो मेन अंगों से मिलकर क्या बनता है, नर जनन तंत्र बनता है। पहला हिस्सा क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा हिस्सा जो कि हमारा क्या है, शिश्न यानी कि पेनिस, ये क्या करता है, ये उस शुक्राणु को जो फीमेल होती है उनकी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो वही बात तो कह रहे हैं कि यह नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम स्पर्म, को मादा जननांग में पहुँचाने का कार्य करता है। आगे कह रहा है और तब यह उत्तेजित होता है जिसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब जो शिश्न होता है, जब मादा जननांग के अंदर जाता है, जिसके दौरान क्या होता है, जो शुक्राणु होता है वो फीमेल की बॉडी में जाता है, उस दौरान जो शिश्न होता है वो उत्तेजित होता है जिसके कारण से उसका आकार भी बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा टॉपिक नर जनन तंत्र के बारे में। अब इसके आगे क्या होगा, जो ये शुक्राणु है वो फीमेल की बॉडी में जाएगा। अब फीमेल की बॉडी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उस पर इंग्लिश में वीडियो तो है ही, अगर हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, बाय बाय गाइज़।